हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कनाडा में अभी लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड मतलब सैटरडे संडे और मंडे तीन दिन छुट्टी है। जब भी लॉन्ग वीकेंड रहता है तो मैं जितना हो सके घर का काम वाम सब निपटा लेता हूँ। तो आज घूमने का भी प्लान है वैसे। तो अभी सुबह सुबह पहले मैं सोच रहा हूँ घर का जो सामने का घास है वो सारा को काट लेता हूँ। कनाडा में जैसे आप लोगों को पता है सारा कुछ खुद से ही करना पड़ता है। तो अभी घास काटता हूँ फटाफट और उसके बाद हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए। आज हम लोग शायद जाएंगे वसागा बीच कर यहाँ पर एक बीच है तो वहाँ पर चलेंगे और साथ में आप लोग को भी घुमाते हैं। तो घास काटने के लिए मेन तो एक ग्रास कटर जैसा आता है। इसके बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। ये सबसे छोटा वाला है क्योंकि लॉन उतना बड़ा नहीं है तो हम लोग उसके हिसाब से छोटा वाला ही लिए हैं। तो इसको एक वायर वाला है तो वायर सीधे अंदर चार्जिंग पॉइंट है तो वहाँ पर प्लग करके फिर इसको करके इससे जो है घास कटेगा। और एक और आता है यहाँ पर ट्रिमर, ग्रास ट्रिमर। ये जो है मेन जो बीच का सारा घास कट जाएगा। और इससे क्या होता है, इसके नीचे ऐसे वायर्स होते हैं और एक मोटर रहता है तो ये बहुत फास्ट स्पिन करता है। तो साइड के जितने भी घास हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला मशीन नहीं जाएगा तो इसको ऐसे 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 करके पूरा ऐसे चला दिया जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा मेन जो ग्रास है वो तो कट गया अभी अभी, लेकिन ये साइड साइड का जो है ना अभी भी बड़ा है। तो इसके लिए ऐसा ग्रास ट्रिमर कर कर एक आता है तो ये भी कॉर्ड के साथ है। तो इसको अगर यहाँ से ऐसे बटन देख सकते हो कितना तेज़ी से ये घूमता है। ये दो ही वायर है लेकिन तो इसको थोड़ा दूर हटना होगा तुमको थोड़ा। और ये बहुत उड़ता है तो इसके लिए सेफ्टी के लिए ग्लासेस वगैरह पहने होते हैं, बट थोड़ा ही सा है तो मैं फटाफट काट देता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कट गया है सारा घास। तो ये सिर्फ आगे का है, अभी इससे शायद दो गुना या तीन गुना पीछे का भी है तो पीछे का भी काटना है। तो वो फटाफट जाकर काटता हूँ अभी, काट के और फिर निकलते हैं हम लोग घूमने आज वसागा बीच। तो कनाडा में अभी समर्स चल रहे हैं। समर्स यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट होते हैं, जैसे कि आँख बंद करके ऐसे खोलोगे तो समर्स गायब हो जाएंगे। तो इसी का पूरा फायदा उठाने के चक्कर में आज हम लोग निकल पड़े हैं। कहाँ पे? वसागा बीच। वसागा बीच जा रहे हैं, यहाँ का बहुत फेमस बीच है। आई थिंक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर बीच है। तो अभी सीधे जाते हैं, यहाँ से डेढ़ घंटे की ड्राइव है, वहाँ घूमने जाते हैं और आप लोगों को भी साथ में घुमाते हैं। तो जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वसागा बीच, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर बीच है। 14 किलोमीटर के आसपास इसका टोटल स्ट्रेच है। तो बीच के अलावा काफी सारे अदर एक्टिविटीज भी होते हैं वहाँ पर, अगर टाइम मिलेगा तो सारा कुछ दिखाऊंगा। Later. जैसा कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा, काफी प्यारा ड्राइव है, लग रहा है कि दो जंगल के बीच में एक रोड निकल रहा जा रहा है वैसा। हाँ जी, तो पहुंच गए हम लोग अभी वसागा बीच। यहीं पर एक कम्युनिटी पार्किंग लॉट है उस तरफ, वहां पर पार्किंग कर दिया हम लोगों ने। पार्किंग करके अभी यहां से शायद एक या दो मिनट का वॉक है। बेबी को स्ट्रोलर में डाल दिया है, बाकी बीच का सामान वामान है, एक बीच चेयर भी ले लिया है। तो अभी चलते सीधे बीच और फिर वहाँ का नज़ारा लेते हैं।
बीच पहुंच गए हम लोग, मस्त एकदम पूरा गोवा वाला वाइब्स आ रहा है। यहाँ पूरा पानी है, इधर लोग पूरा अपना चिल कर रहे हैं। और अभी टाइम है, अभी उसको भी पानी में जाने का। So, आपने पूरे वीडियो में तो देख ही लिया होगा, पूरा बीच बहुत बड़ा बीच है एक्चुअली, और बहुत फेमस बीच है वसागा बीच ये पूरा। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और यहाँ पे बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे। और ये है बीच बार यहाँ का, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पीछे ये बीच बार, एंड दैट्स द मेन काउंटर। खाने की भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्नैक्स वगैरह, और शाम को अच्छी खासा रौनक जमता है यहाँ पे। तो और अभी लॉन्ग वीकेंड है यहाँ पे, तो अच्छा खासा भीड़ भी है बीच पे भी। और जैसे जैसे शाम होगा लोग बीच से उठ के यहाँ पे अपना इंजॉय करने आ जाएंगे। एंड फिर उधर में अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे भी सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी खाने पीने का सब कुछ मिल जाता है, सब वे भी है, आइसक्रीम भी है। मैडम और सर बैठे हुए हैं, और हो गया आज का। यहाँ पे सारे ये छोटे मोटे से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आइसक्रीम से लेके खाने से लेके शर्मा रोल सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ मेनू भी ऐसे ही लगा रहता है, जो जो खाना है आप यहाँ पे अपना ले सकते हो, आराम से बीच पे जाके बैठ के एंजॉय कर सकते हो। ये यहाँ पे भी टेबल चेयर लगा हुआ है, ये भी आप बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हो। सो दैट्स द व्यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला।